हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज़ रसोई एट जियाज़ आर टेस्टी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज सोया कीमा। तो यहाँ पर हमने लिया है सोया और उसको तेज़ गर्म पानी में जो था हमने भिगोकर 10 मिनट के लिए रखा था। और उसके बाद हम यहाँ लेंगे एक कटोरी फ्रेश हरी मटर, और मटर को जो है छिल के वॉश करके रखा है। और यहाँ हमें चाहिए दो प्याज, और प्याज को जो है हम रफली चॉप करेंगे। और हमें चाहिए दो टमाटर, टमाटर को भी जो है हमने रफली चॉप करना है। और हमें चाहिए एक चम्मच लहसुन और एक चम्मच अदरक का पेस्ट। और साथ ही हम यहाँ पर लेंगे दो हरी मिर्च, और दो हरी मिर्च के हमने चार पीस कर लेने हैं। और इसमें हम बाकी क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बनाते बनाते बताऊँगी। तो फ़िलहाल हमें जो है ये सारा सामान चाहिए। और जब सोया को आप पानी में भिगोते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ कर या किसी छन्नी में रख लें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और तड़के के लिए मैं ले रही हूँ एक तेज़पत्ता, आधा चम्मच ज़ीरा, एक छोटी इलायची और चार जो हैं काली मिर्च। और मैं इसको बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप अपने खाने में यूज़ करते हैं। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है अच्छे से, तो उसके बाद हम इसमें तड़के का सामान डाल देंगे। और साथ ही अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें प्याज। और प्याज को हमने फ्रेंड्स तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का जो है कच्चा पन्ना निकल जाए और इसका जो कलर है प्याज का वो हल्का सा चेंज ना हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा जो इसका कलर जो चेंज होगा हमें सिर्फ उतना ही इसको करना है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं प्याज को। तो जैसे जैसे हमारा प्याज फ्राई होगा उसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है, सिर्फ इतना ही हमने इसका कलर चेंज करना है। और अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे मसाले। तो आधा चम्मच हम ले रहे हैं धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक जो है वो हमारे स्वाद के अनुसार रहेगा कम या ज़्यादा, और आधा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे हल्दी पाउडर। और इसके अलावा इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि जो मसाला है वो प्याज के साथ अच्छे से मिल जाए, अच्छे से पक जाए। और जैसे ही मसाला हमारा हल्का सा तेल छोड़ने लगे तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे टमाटर। और अब टमाटर डालने के बाद हमने मसाले को थोड़ी देर पकाना है ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और तेल मसाला जो है वो तेल छोड़ दे। तब तक हमने इस मसाले को भुनना है। आप चाहें तो तेज़ गैस की आँच को तेज़ कम कर मसाला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा पानी था, जो टमाटर से पानी निकला था, वो सारा सूख गया है। और अच्छे से टमाटर को मैश कर देते हैं। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच दही। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर दही से जो है सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, अमेजिंग टेस्ट आता है। तो आप यहाँ पर दही ऐड करेंगे, और लेकिन जब आप दही डालें तो जल्दी जल्दी हमने इसको चलाना है, क्योंकि मसाले में जब आप दही ऐड करते हो तो मसाला जो है दही जो है फट जाता है। तो बहुत अच्छे से जो जल्दी जल्दी हमने इसको मिलाना है ताकि दही हमारा फटे नहीं। तो देखिए अब मसाले का जो कलर है वो एकदम से चेंज हो गया है, तो इसको मिला देते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे मटर, और मैं इसको यहाँ पे कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर रही हूँ। और अगर आप इसे कढ़ाई में बनाते हैं तो मटर को पहले थोड़ी देर मसाले के साथ पका लें, क्योंकि मटर जो है गलने में थोड़ा टाइम लगता है। कुकर में ही जल्दी बन जाता है, बट कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको पहले मसाले के साथ पका लें। और उसके बाद मटर डालने के बाद हम यहाँ ऐड करेंगे सोया। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। और अभी आपको यहाँ पर सब्ज़ी का जो कलर है बहुत लाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, कि अभी हमने सोया यहाँ पर ऐड किया है। जब ये सब्ज़ी पकेगी तो इसका कलर जो है वो भी थोड़ा चेंज होगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं एक बार। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो हमने हरी मिर्च काट के रखी थी वो हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही जिस कटोरी से मैंने मटर नाप के लिए थे उसी कटोरी से एक कटोरी यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें हम सीटी लगाएंगे। और हम ये तरी वाला नहीं बना रहे हैं, हम इसे ड्राई ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी पानी डालना है। और कुकर में जो है हम सोया में जो कीमा में जो है हम 3 सीटी लगाएंगे। और 3 सीटी लगाने के बाद हमने गैस कर देनी है बंद। तो यहाँ पर देखिए हमारा वेज सोया कीमा जो है तैयार है, लेकिन अभी ये हाफ़ तैयार है, अभी आगे भी हमने कुछ करना है इसमें। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो पानी हमने डाला था वो बिल्कुल सूख गया है, और जो कीमा है वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ एकदम ड्राई नहीं है।
और साथ में यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च, इसको हमने मोटे पीसेस में काटा है। और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी, तो उससे जो है ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ज़ीरा और अदरक और हरी मिर्च। और जब आप हरी मिर्च और अदरक घी में डालते हैं तो गैस को बंद कर दें, क्योंकि घी जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। और मिलाने के बाद अब हम गैस यहाँ पर ऑन करेंगे और इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो घी में जैसे ही हमने अदरक और हरी मिर्च और ज़ीरा डाला है तो इसकी जो खुशबू है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। और जैसे ही ये फ्राई होता है तो अब हम गैस को करेंगे बंद। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च से जो है फ्रेंड्स, इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर ही हम डालेंगे, वरना जो मिर्च है वो हमारी जल जाएगी। और थोड़ा सा तड़का मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है, और बाकी तड़के में जो है हम हमारा कीमा ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे मसाले के साथ कीमा को। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया जो इसका कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और घी में डालने के बाद जो है ना फ्रेंड्स, इसकी जो खुशबू है मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है इसमें। तो देखिए, अब यहाँ पे हम इसकी एक बार गार्निशिंग कर लेते हैं प्लेटिंग करके। तो यहाँ पर जो है मैंने कीमा को प्लेट में निकाल लिया है, और ऊपर से मैंने जैसा बताया कि थोड़ा सा तड़का मैंने निकाल लिया था गार्निशिंग के लिए, तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये देखिए, इससे जो है इसकी ब्यूटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। तो इसको अच्छे से फैला देते हैं। तो हमारा वेज सोया कीमा फ्रेंड्स तैयार है। और आप चाहें तो फ्रेंड्स, इसको अगर आप पराठे के साथ सर्व करते हैं, जो लेयर वाले हम पराठे बनाते हैं ना, अगर आप इसको उसके साथ सर्व करते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। मतलब चपाती से ज़्यादा अगर आप इसको पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए वेज सोया कीमा। और फ्रेंड्स, बस आपने करना ये है कि तेज़ गर्म पानी में जो है सोया को भिगोकर 10 मिनट के लिए हमने रखना है। और 10 मिनट बाद उसको पानी से हमने अच्छे से निकाल लेना है बाहर। चाहे तो आप किसी छन्नी में रख लीजिए और अच्छे से इसको निचोड़ लीजिए। सोया में पानी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो हमारी सब्ज़ी जो है वो गीली हो जाएगी। तो हम इसको निचोड़ कर बनाएंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं अंदाज़े के लिए। 1 कटोरी हमने डाला था तो उतना ही पानी हमने इसमें डालना है। और अगर आप फ्रोज़न बटर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों को डालकर जो है कढ़ाई में आप बना सकते हैं। और लेकिन अगर आप कच्चे मटर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी देर उनको आपको मसाले के साथ पकाना पड़ेगा, क्योंकि मटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और बाकी चीज़ें जो है, टमाटर प्याज मैंने रफली चॉप किए थे। और आपने देखा अभी मसाला जब हमने बनाया तो उसमें ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसीस प्याज के दिख रहे थे ना टमाटर के। तो फ्रेंड्स, इन्जॉय कीजिए आज की रेसिपी वेज सोया।